मिर्जापुर ARTO रविकांत शुक्ला को ओवरलोड गाड़ियों का चालान करना महंगा पड़ गया। आगे बताते चलें कि ARTO रविकांत शुक्ला 13 अक्टूबर की रात में ARTO ने चुनार क्षेत्र में कई ट्रकों का ओवरलोड में चालान किया था और लगभग 3 बजे भोर में वापस आते समय आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग बंद होने के कारण गाड़ी रोकनी पड़ी। उन्होंने बताया कि पहले से घात लगाए लगभग 7 से 8 लोग लाठी डंडा और रॉड लेकर आए और फिर उनकी गाड़ी पर मारना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले को जब तक वो समझ पाते तब तक गाड़ी के शीशे का टुकड़ा चटक कर उनके चेहरे को जख्मी कर चुका था और चेहरे से खून निकलने लगा था। किसी तरह उनके साथ बैठे गार्ड गाड़ी से बाहर निकले, तब तक हमलावर भाग निकले। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाना देहात कोतवाली में FIR दर्ज करा दिया गया है। पुलिस अग्रेतर कार्यवाही में जुटी हुई है। बताया सर कि कल आपके ऊपर जाने का हमला टाइप का हुआ था, क्या है पूरी घटना? ये दिनांक 13 अक्टूबर की रात में 10 बजे मैं चेकिंग करने के लिए ओवरलोड उच्च अधिकारियों द्वारा जो है ओवरलोड वाहनों के संबंध में लगातार कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। उसी क्रम में रात के 10 बजे जो है निकला, तो उसमें बरौधा और भरौना चौराहे के बीच में 3 ओवरलोड गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। इनको चेक करने पे पहली गाड़ी का जब चालान किया तो 10-12 लोग इकट्ठे हो गए और उसका विरोध करने लगे कि आपके द्वारा मिर्जापुर की गाड़ियों का चालान क्यों किया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि बाहर वाले गाड़ी वाले कहते हैं कि मिर्जापुर की गाड़ियां जो है वो भी ओवरलोड चल रही हैं, उन पर भी कार्रवाई कराई जाए। इसके अलावा कहीं खड़ी गाड़ी आप चालान क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा खड़ी गाड़ी अगर ओवरलोड है तो उसका भी चालान किया जाएगा। तो 2 गाड़ियों का चालान किया, उसके बाद उनके विरोध को देखते हुए फिर मैं आगे चला गया और आगे मैंने मिलिया चट्टी से अरोरा के बीच में 3 गाड़ियां ओवरलोड ले जाकर अरोरा थाने में बंद की और 2 गाड़ियां जिनके ड्राइवर भाग गए थे उनका मैंने चालान किया। रात में जब मैं लौटना वहां से वापसी कर रहा था 3:30 बजे वापस हुआ तो आमघाट क्रॉसिंग पे बंद होने के कारण मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो उसी समय बगल में ट्रक खड़ा था, उसके साइड से 6-7 लोग जो है वो डंडा और लोहे की राड लेके आ गए और अचानक गाड़ी पे तेज बार किया जिससे कांच शीशा टूट गया और राड से अंदर माने मारने का भी प्रयास किया, तो उसी में मुझे जो है मेरे चेहरे पे गाड़ी के शीशा लगने से मतलब थोड़ा सा खून ब्लड निकला जो है, तो और जब सिपाही जब तक उतरे तब तक वो लोग जो है भाग गए वहाँ से। सर क्या लगता है किसके द्वारा ये किया गया होगा? मुझे लगता है कि जो गाड़ियाँ जिनका मैं चालान करता हूँ, ये गाड़ियाँ जो बंद की जाती हैं या रात में पासर जो है 7-7 गाड़ियों की घूमते हैं मेरी लोकेशन लेने के लिए, तो गाड़ी चालान और बंद होने पे जुर्माना काफ़ी अधिक आता है, तो उनके हित प्रभावित होते हैं और तो उनके उसी से संबंधित किसी के द्वारा सुनियोजित तरीके से, क्योंकि मेरी लोकेशन उन्हें लग रहा था कि मैं लौट रहा हूँ और उसी में ये कार्रवाई। जी सर, ये भी एक सवाल है बड़ा कि उनको कैसे पता चल गया कि आप इसी समय वहाँ से वापसी आएंगे? जब मैं चेकिंग करने निकला हूँ तो साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं और एरा में बंद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो पासर होते हैं वो लगातार गतिविधियों पर नजर रखते हैं कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ, उनको गाड़ी निकालनी रहती है। मान लीजिए मैं एरा में हूँ तो गाड़ी चुनार की तरफ अपनी मुड़वा देंगे, इसलिए इन पासरों के द्वारा भी ये कार्रवाई की जा सकती है या जिन वाहन स्वामियों की गाड़ी मैंने चालान किया। तो सर आगे आपके द्वारा क्या कार्रवाई कराई गई है? नहीं, मैंने इस संबंध में माननीय सहायक पुलिस अधीक्षक नगर महोदय से मिल के FIR दर्ज कराने के लिए जो है दे दिया है और जिलाधिकारी महोदय को भी पूरी घटना का संज्ञान करा दिया है। और मैं इन लोगों के कृत्यों से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं दिनांक 14 की रात में भी निकला था और मैंने 3 गाड़ी जो है बालू लदी गयपुरा चौकी में बंद की है और 2 लोहे से लदी गाड़ी मंडी समिति में बंद की है।